कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि एग्जाम्स का मौसम शुरू होने वाला है, पर आपने जरा भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। फिर भले ही वो स्ट्रेटेजी वीडियोस हो, पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस हो, पढ़ाई करवाने के लिए वीडियोस हो, या तो फिर कुछ भी हो, जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 एग्जाम हॉल हैक्स, जिसके कारण मुझे 6 सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशन मिला था आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स ये फाइनल में, और आपके भी बढ़िया तरीके से मार्क्स बढ़ने वाले हैं ये वीडियो को देख के। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और आज कमेंट करने के लिए ऐसा नहीं बोलूंगा कि यस आई विल डेफिनेटली क्लियर माय सी एग्जामिनेशन नवंबर 23, क्योंकि मुझे पता है आप कर लोगे। आज कुछ और कमेंट करने को बोलूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। 5 एग्जाम हॉल हैक्स बताऊंगा और एंड में एक बोनस टिप बताऊंगा। तो फटाफट से क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखमानी। सर फटाफट से क्या है, पहला हैक बता दो। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना सर, तो आपने क्या करना है, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, उसके लिए आपने पेंसिल से ना फॉर्मूला साइड में लिख देना है हर एक क्वेश्चन के, और थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी ट्रिक्स लिख देनी है। जैसे कि मेमोरी ट्रिक्स मैंने आपको ऑडिट में बताई, या आपको कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी मेमोरी ट्रिक पता है, या कोई भी आपको आइडिया लग रहा है क्या प्रोविजन आपको पता है लॉ के लिए, तो आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में वो प्रोविजन, मेमोरी ट्रिक्स, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपने फॉर्मूला लिख देना है। कोई भी उधर आपको मना नहीं करेगा, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप पेपर लिखने बैठोगे ना, तो आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा मैंने ये चीज ऑडिट और लॉ में यूज करी थी और मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था इससे। ये है मेरा पहला बात। दूसरी बात क्या है ना, लोग बोलते हैं कि आपका जब पेपर पूरा हो जाए ना, तो आप एंड में 15 मिनट निकाल के रिवीजन करो कि आपने सब सही लिखा है कि नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि हमें उन 3 घंटे में पेपर लिखने तक का टाइम नहीं मिलता है, रिवीजन की तो बात ही और है। तो सर सिंपल सी बात समझो, आपने 15 मिनट नहीं निकालने रिवीजन के लिए, आप खाली 5 मिनट निकाल लोगे ना तो भी चलेगा। उन 5 मिनट में आपने क्या करना है ना, खाली आपने देख लेना है कि मैंने सही आंसर नंबर में सही आंसर लिखा है कि नहीं। ये मैंने फेस किया था, इस जो भी है सब कुछ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। FR का पेपर था, मैंने आंसर नंबर 4 की जगह 5 या 5 की जगह 6 ऐसा तो कुछ गड़बड़ कर दिया था, और एंड के मैंने 5 मिनट में देखा था भाई, और मैंने सही कर लिया था कि भाई मतलब मैंने क्या किया था, आंसर 6 ऊपर लिख के नीचे आंसर 5 लिख दिया था। तो ऐसी गड़बड़ आपने नहीं करनी, क्योंकि ICAI इतना दयालु नहीं है कि आपको मार्क्स दे देगा ऐसा अगर आप मिस्टेक करोगे। तो प्लीज ये आपने गलती सुधार लेनी है, मैंने एंड में सुधार ली थी और मेरे को उसका फायदा मिला था। तो प्लीज एंड के 5 मिनट निकल जाए ना, भले आपका 2-3 मार्क्स का कंटेंट रह जाए, पर ये चीज देख लेना कि जो आपने लिखा है ना, नहीं तो आपके जो 20-25 मार्क का क्वेश्चन आपने किया पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लीज आप देख लेना कि आंसर 5 में आंसर 5 ही लिखाओ, 6 में 6 लिखाओ, प्लीज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आपने क्या करना है, जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा ना, उसमें आपने जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला ना, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय मार्क्स करके जो फिगर आए ना, हर क्वेश्चन के बाजू में लिख देना। क्यों सर आप ऐसा बोल रहे हो, देखो सर 3 घंटे आपको मिलते हैं पेपर के लिए, अब 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स, यानी कि आपको इफेक्टिवली 1.8 मिनट्स मिलेगा हर मार्क के लिए, क्योंकि 100 मार्क का पेपर अपने को अटेम्प्ट करना है। लेकिन 1.8 मिनट के लिए अगर मैं सोचूंगा कि मेरे को एक मार्क का 1.8 मिनट में लिखना है, तो मैं 2 मिनट लगाऊंगा। इसलिए मेरे को क्या टारगेट रखना है कि 1.5 मिनट्स में मैं क्या करूं ना, एक मार्क का सॉल्व करूं। तो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 × 1.5 करके जितना भी मेरा आ रहा है ना, आपने कैलकुलेट कर देना है और लिख देना है वो 15 मिनट में कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे को इतने टाइम में सॉल्व करना है, तो सबका × 1.5 करके आप करके आपको लिख लेना है। तो जैसे ही आप जब एग्जाम में लिखना चालू करोगे ना, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन मेरे को इतने टाइम पीरियड में ही सॉल्व करना है, तो उससे आपका बहुत बेनिफिट मिलेगा, बाद में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और आपका पेपर नहीं छूटेगा, पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये बात को आपने अपने ध्यान में रखना है, बहुत बेनिफिट मिलेगी। चौथी बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है, आपने रिवर्स रीडिंग करनी है। ICAI क्या करेगा ना, जानबूझ के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को हार्ड निकालेगा, टफ निकालेगा, ताकि आपका मनोबल गिर जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस गिर जाए। प्लीज आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, पीछे से क्वेश्चन पेपर पढ़ना चालू करना, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4, मजा आ जाएगा। पीछे से एकदम इजी इजी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छे से पेपर क्या कर पाओगे सर, प्रिपेयर कर पाओगे, आप अच्छे से पेपर को प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, अगली बात सुन लो सर, फिफ्थ पॉइंट, आपने 15 मिनट में ये डिसाइड कर लेना है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। आपको पता है ना, आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो 15 मिनट्स में आपने पूरा सीक्वेंस डिसाइड कर लेना है, मैं इस सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। ये आपने प्लीज पहले 15 मिनट में डिसाइड कर लेना है, क्योंकि बाद में जब आप करने जाओगे ना ये डिसाइड, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके एग्जाम में 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, और एग्जाम के 5-10 मिनट बहुत कीमती होते हैं। तो प्लीज आपने एग्जाम के लिखते वक्त ये डिसाइड नहीं करना है, आपने पहले 15 मिनट्स में ये चीज डिसाइड कर लेनी है। ये 5 हैक्स थे हमारे, उसके बाद मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। सर क्या है ना बोनस टिप, आपने है ना आज प्रॉमिस करना है, मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, आज आपने कमेंट में ये नहीं लिखना है दैट आई विल डेफिनेटली क्लियर माय सी एग्जाम्स इन नवंबर 23, आज आपने लिखना है कि आई वोंट प्ले द इम्पैक्ट गेम, मैं इम्पैक्ट गेम नहीं खेलूंगा। सर ये इम्पैक्ट गेम क्या है ना, पहला पेपर जैसा भी जाए उसका इम्पैक्ट अगले पेपर पे आपने नहीं पढ़ने देना है, दूसरा पेपर जैसा भी जाए आपने उसका इम्पैक्ट तीसरे पेपर पे नहीं पढ़ने देना है। सर ये बहुत ही खराब गेम है, मैं आपको मेरा इंटर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अकाउंट्स का पेपर मेरा
अच्छा गया था, लेकिन मैंने घर आके क्या किया ना, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया फोन पे कि मेरा ऐसा ऐसा गया और मैं घर आके मार्क्स गिनने बैठ गया। उससे मेरा पूरा इम्पैक्ट पड़ा मेरे अगले लॉ के पेपर पे, क्योंकि इंटर में अकाउंट्स के बाद लॉ का पेपर होता है। पूरा इम्पैक्ट मेरा पड़ा लॉ के पेपर में। मैं पूरा, मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना अकाउंट्स का पेपर का, वो पूरा गिर गया और मैं टेंशन में आ गया। मैं लॉ की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया और मेरा इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ा लॉ के पेपर में। अब अकाउंट्स जिसकी मैं इतनी टेंशन ले रहा था उसमें तो मैंने एग्जेम्पशन स्कोर कर लिया और उसके कारण मेरी लॉ की प्रिपरेशन बिगड़ी, तो मेरे को लॉ में 51 मार्क्स आए। तो ये 51 मार्क्स मेरे को आए, इसकी जगह मेरे को एग्जेम्पशन भी आ सकता था अगर मैं अकाउंट्स के पेपर का इम्पैक्ट नहीं पड़ने देता। तो आपने प्लीज इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहला पेपर जैसा भी गया आपने उस टाइम उसी के समय उसको भूल जाना है कि जो मेरा पहला पेपर गया गया। अगले पेपर में आप मेहनत करोगे ना सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरे पेपर में आपने 60 ला दिए ना सर, तो पहले पेपर में अगर 35 भी होंगे तो ICI 5 मार्क का बोनस देके आपको पास करेगा। तो ये टेंशन आपने नहीं लेनी है, ठीक है। तो वीडियो को बंद करने से पहले आपने क्या करना है ना, कमेंट में लिखना है यस आई वोंट प्ले द इम्पैक्ट गेम, आज आपने ये कमेंट करना है, ठीक है सर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।